सो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी में हमें सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदना पड़ता है, और सेकंड हैंड मोबाइल जब आप ख़रीदने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको बताएगा कि मोबाइल में सब कुछ सही है, और आपको सब कुछ सही बताते हुए आपको मोबाइल दे देता है। लेकिन आप कैसे पकड़ सकते हैं कि मोबाइल में क्या वाकई सब कुछ सही है या फिर कुछ फॉल्ट है, इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो यही आप चीज़ हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लेकर के वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हो सकता है फ्यूचर में आप कभी भी इमरजेंसी इमरजेंसी में कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न करना पड़े मोबाइल लेने के बाद, क्योंकि आप जब मोबाइल ले लेंगे उसके बाद वो आपका हो जाएगा, और उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके पहले आप किस तरीके से चेक करते हैं, चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको लाइव बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट एम हार्डवेयर, आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये 31 MB का एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 4.3 की रेटिंग है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डाउनलोड कर लीजिए हैं, इसके बाद हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट एम हार्डवेयर को ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको समय लगेगा, और उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप नेक्स्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो परमिशन मांगेगा, तो परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा। जो भी परमिशन आपसे पूछा जाएगा उसको आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक साइनिंग कर लेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का देखिए इंटरफेस खुल रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रन फुल टेस्ट, या फिर रन फुल टेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं, या क्विक टेस्ट पे क्लिक करके गो टू इट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन का आ रहा है, फिर साउंड का आ रहा है, फिर आ रहा है मोशन, कनेक्टिविटी आ रहा है, उसके बाद हार्डवेयर आ रहा है, कैमरा दिया गया है, बाकी और भी चीज़ दिया गया है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन दिया गया है इसमें, तो आप अपने हिसाब से, जैसे आप सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं तो लेने से पहले आप ये एप्लीकेशन टेस्ट एम को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें आप सभी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई वो सही है या फिर नहीं है। तो चलिए हम स्क्रीन को पहले करते हैं। तो स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, टच टू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, जहाँ से भी आपका स्क्रीन नहीं काम करेगा वहाँ पे येलो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है गुड जॉब द टच स्क्रीन चेक पास द टेस्ट, मतलब कि ये हमारा जो स्क्रीन है वो सही है, यहाँ पे गुड जॉब करके आ गया है। तो आप क्या करिएगा, नेक्स्ट करके आप यहाँ से स्पीकर को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कैमरे को हम करके आपको दिखा देते हैं कि कैमरा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा कैमरा जो है वो सही है कि नहीं इस फ़ोन का, जो भी आप सेकेंड हैंड परचेस कर रहे हैं, तो कैमरे पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है फ्रंट कैमरा चेक करना चाहते हैं, या फिर बैक कैमरा चेक करना चाहते हैं, या फिर फ्लैश लाइट चेक करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बैक कैमरे पर आते हैं, उसके बाद देखिए हमको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये बैक कैमरा ओपन हो जा रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे रोटेट करेंगे आप, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, अगर आप इसको किसी के फेस के सामने डिटेक्ट करते हैं तब ये बता पाएगा कि सही है या नहीं है। तो चलिए हम फ्लैश लाइट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो फ्लैश लाइट यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है, और ये फ्लैशिंग जो कि सही से कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि सही है। उसके बाद अगर आप माइक्रोफोन को टेस्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन भी आप यहां से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप माइक्रोफोन को टेस्ट करेंगे तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां से आप हेडफोन भी चेक कर सकते हैं। हेडफोन चेक करने के लिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद विटामिन 3 नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, लेटेस्ट आप डाल सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। सपोज़ करिए दोस्तों, अगर आपको चार्जर चेक करना है कि चार्जर मेरा सही है या नहीं सही है, तो आप चार्जर को पहले आप मोबाइल में लगाएंगे। लगाने के बाद इस चार्जिंग वाले पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि चार्जिंग को पहले मोबाइल को लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बता पाएगा। तो आप इसको भी लगा करके चेक कर सकते हैं। साथ में अगर वाइब्रेटर्स आप देखना चाहते हैं कि वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन कंपन कर रहा है, यानी कि वाइब्रेट सही है दिया गया है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट दिया गया है तो उसको भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहां पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे रहा है और फिंगरप्रिंट हमारा लगा हुआ है, तो हम इसको लगाते हैं। यहाँ पे गुड जॉब लिख करके आ गया है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट जो इस मोबाइल सेकेंड हैंड आप खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अगर आप चेक करेंगे तो सही बताएगा, अगर जो भी चीज़ नहीं सही बताएगा तो वो आपको यहीं पे सामने आपको बता देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लूटूथ को चेक किए तो चेक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पूछता है, वो नंबर हमने नहीं डाला तो यहाँ पे एक सिग्नल बन करके आ गया है जिस पे लिखा गया है कि ब्लूटूथ तो ऑन है, कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आपसे एक नंबर पूछा जाएगा। वो नंबर अगर आप, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम लगाए हैं बोया M1 का रिकॉर्डिंग माइक, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप इस माइक को निकाल देंगे, निकालने के बाद आप वो नंबर डाल देंगे तो ये काम करने लगेगा। सो दोस्तों आप भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बहुत सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के साथ साथ अगर आप कंफर्म हो जा रहे हैं कि नहीं भाई ये मोबाइल सही है तभी आप परचेस करें, क्योंकि परचेस करने के बाद वो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, अगर आप कुछ भी उसमें ख़राब होगा तो आपको ही बनवाना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे YouTube पे इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।